चलिए साहब, जय बोलो देवाधिदेव अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। हम और आप सब सादरणीय म्यूट करना एक बार। आवाज कान में गूंज रही है, रिपीट हो रही है। जय बोलो अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवान की जय। द्वासंगमयी जिनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। आज की सभा प्रारंभ करूं सबसे पहले मांगलिक मंगलाचरण के रूप में हम और आप सब तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में जिन आचार्य का ग्रंथ अभ्यास कर रहे हैं, आचार्य भगवान समंत भद्रदेव, हम उनका यहाँ से संक्षिप्त परिचय एक बार यहाँ से चलाएंगे और फिर हम आज की अपनी सभा प्रारंभ करेंगे। मैं सतपथ, वही सतपथ जिसके साथ कुछ ही समय पूर्व आप सभी ने पंडित डोडरमल जी के अद्वितीय ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सम्यक रीति से स्वाध्याय किया। सच कहूँ तो मैं पठन पाठन का व्यसनी हूँ। मैंने इतिहास की किताबों से जाना है कि भारत भूमि आदिकाल से ही एक से एक दिग्गज महापुरुषों की जन्मदात्री रही है। आदिनाथ से लेकर महावीर तक, गौतम गणधर से लेकर श्रीधर केवली तक, भद्रबाहु से लेकर धरसेन तक, अनगिनत महापुरुषों ने भारतवर्ष की श्रमण परंपरा को संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया है। आचार्य कुंदकुंद देव की आमनाए में उनके ही कुछ वर्षों बाद भारत भूमि ने एक ऐसे आचार्य को देखा जिनकी प्रतिभा दशों दिशाओं में व्याप्त थी, जिनका ज्ञान इतना विशद और विशाल था कि आने वाली परंपरा में उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाने लगा। वे थे आचार्य समंत भद्र देव। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर फणिमंडल के अंतर्गत उरकपुर, वर्तमान त्रिचिनापोली तिरुचिरापल्ली में विक्रम की द्वितीय अथवा तृतीय शताब्दी में आचार्य समंत भद्रदेव का जन्म हुआ। दीक्षा के पूर्व आपका नाम शांति वर्मा था, आपके बड़े भाई का नाम सर्ववर्मन था। ऐतिहासिक प्राप्त प्रमाणों के आधार से ईस्वी सन 138 में आपने मुनि पद को ग्रहण किया था। श्रुत परंपरा ज्ञानधारी आचार्य धरसेन, आचार्य गुणभद्र, आचार्य भूतबली, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य उमा स्वामी आदि की परंपरा के आप उदीयमान सूर्य थे। जिस तरह आचार्य उमा स्वामी प्रथम सूत्रकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसी तरह आप भी प्रथम स्तुतिकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी भाषा पर भी बेजोड़ पकड़ थी। स्तुति विद्या में आपके द्वारा लिखा गया एकाक्षरी श्लोक आपकी विद्वत्ता का प्रमाण है। ततो तितातु तेतीतः, तोत्री तोतीति तोत्रितः, ततो ताती ततो तोते, तत्ता ते ततो ततः। न केवल संस्कृत के जानकार, अपितु आप दर्शन, तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार एवं काव्य कोशादि के भी
मूर्धन्य विद्वान थे, पंडित, आचार्य, गुणज्ञ, कवि, कवीश्वर, कवि विधाता, वादी, वादिराट, वाग्मी, गमक, भिषक, आज्ञा सिद्ध, सिद्ध सारस्वत, भारत भूषण, परीक्षा प्रधानी, कलिकाल सर्वज्ञ, दुर्वादि मद भंजक, तार्किक चूड़ामणि, दार्शनिक, स्तुतिकार, मांत्रिक, तांत्रिक, दैवज्ञ, महामुनीश्वर, भद्रमूर्ति आदि उपाधियों से विभूषित आचार्य समंत भद्र देव ने बृहद स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या, आप्तमीमांसा, युक्त्यानुशासन, रत्नकरंड श्रावकाचार, जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका, गंधहस्ती महाभाष्य इत्यादि अनेकों ग्रंथों की रचना की। सत्पथिकों, आपकी इस प्रतीक्षा का अब अंत होता है। इस वर्ष हम सभी एक साथ आचार्य समंत भद्र देव के रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। इस ग्रंथ में 150 श्लोकों के माध्यम से श्रावकाचार का वर्णन किया गया है। इस पर आचार्य प्रभाचंद्र की संस्कृत टीका एवं पंडित सदासुखदास जी की हिंदी टीका उपलब्ध होती है। इस ग्रंथ में कुल 8 अधिकार हैं। सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, भावना अधिकार, संलेखना अधिकार और श्रावक पद अधिकार। यह बात बिल्कुल सही है कि यह मुख्यतया चरणानुयोग शैली का ग्रंथ है, किंतु इसकी विषय वस्तु में अध्यात्म सहित आचरण का मार्ग बताया गया है। इसमें कोरे आचरण की बात नहीं है, अपितु आत्म परिणामों की विशुद्धि के साथ होने वाले आचरण को दर्शाया गया है। तो आइए मिलकर प्रारंभ करते हैं आचार्य समंत भद्र देव के अद्भुत ग्रंथ रत्नकरंड श्रावकाचार का स्वाध्याय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब साधर्मियों को। यहाँ पर लगभग लगभग जितने भी साधर्मी उपस्थित हैं सबने रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ का गहराई से अभ्यास किया है, कर रहे हैं और करेंगे। बहुत दिनों से मन हो रहा था कि हम ऑनलाइन एपिसोड प्रारंभ करें, लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि हम उसमें काफी देर हो गए और हो सकता है अगले शनिवार से हम वह चालू कर पाए, क्योंकि पर्दे के पीछे की बहुत सारी तैयारियां हैं और जितनी जैसी संभव होंगी वैसे वैसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज खास मिलने का कारण ये था कि बहुत लोग भरकर तैयार, समझो भर चुके हैं और भेजने को तैयार बैठे हैं, और कुछ लोगों ने तो भेजना भी शुरू कर दिए हैं, कुछ पत्रिकाएं मुझ तक पहुंच भी गई हैं। इसलिए मुझे लगा कि कुछ भी हो अर्जेंट में मीटिंग बुला के हम परीक्षा संबंधी जानकारी सबसे पहले दे दें। आप सबको इतना तो पता ही है कि रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ के आधार से इसमें 1008 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न ग्रंथ से लिए गए हैं और इसके साथ में एक उत्तर पुस्तिका है जिसपे आपको टिक लगाने हैं, राउंड लगाने हैं, ऐसा हमने पिछली बार रखा था। इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि एक तो भेजने का, पहुंची कि नहीं पहुंची ये कंफर्मेशन का, और यहाँ जो लोग चेक कर रहे हैं उन्होंने सही चेक किया या सही को भी गलत कर दिया। वो दिन भर में 100 कॉपी जांच के थक गए थे और 101 नंबर की आपकी है तो पता चला कि 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो गए। उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने डिजिटल माध्यम का उपयोग किया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साधर्मी श्रीमान सिद्धार्थ जी शाह दुबई, उन्होंने सहाय या जैन है आई मैं शायद भूल रहा हूँ, सोगानी, सॉरी कंफर्म सोगानी जी हैं, सोगानी जी के बेटे हैं निहाल चंदी सोगानी के,
उन्होंने सद्प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान देकर हमको इसका जो डिजिटल वर्जन है वो उपलब्ध करा रहे हैं, और अभी हमारा उस पर डेमो चल रहा है, हम ट्रायल ले रहे हैं, जहां जहां भी जो जो एरर आ रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस महीने में वह कंप्लीट हो जाएगी। महावीर जयंती के आसपास हम कोशिश करेंगे वो परीक्षा की लिंक लॉन्च कर दें, और फिर वो लिंक लंबे काल तक ओपन रहेगी जब तक हम यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे। मतलब उसमें सुविधा ये रहेगी, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपकी पूरी डेटा प्रोफाइल उसमें आ जाएगी, और आप उसमें 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न जितने हल करने हैं आप उसमें हल कर सकते हैं। कुछ देर बाद आना है, फिर दोबारा रोल नंबर डालिए, फिर से वहीं की वहां आपको स्थिति मिलेगी। 2 दिन बाद कहीं बाहर जाना है, फिर आके आपको लिंक ओपन करनी है, तो आप 100 प्रश्न हल कर चुके हैं, तो 100 हल किए हुए दिखेंगे। उसमें एडिट बटन होगा, आपको याद आएगा मैंने 58 नंबर का जो है आंसर गलत कर दिया है और मुझे ठीक करना है, आप उसमें ठीक भी कर पाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 900 तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप है ही, कि आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। 900 के बाद भी जो क्वेश्चन है, समझो जैसे मेरे पास बुक है, इसमें 900 के बाद क्वेश्चन है, सबसे पहले जिनका नाम है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो ऑनलाइन में हम कैसे टाइप करेंगे, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे ऑनलाइन वालों को। ऑफलाइन जो भेजेंगे उनको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वे ग्रंथ पढ़ें और ऑप्शन इसमें लिख दे रहे हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनको ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, उन्हीं ऑप्शन से एक कोई जो सटीक आंसर है, सटीक उत्तर है, वह उसको टच करेंगे तो वो भर जाएगा। मतलब आपको टाइप नहीं करना है, सिर्फ टच करना है। मैं बीच में ये भी बता दूं, जिन्होंने उत्तर पुस्तिका भर के रख ली है, ये बिल्कुल भेजने की जल्दी ना करें, वे हमारी लिंक ओपन करें, जब आ जाएगी तब अपना रोल नंबर डालें, और कुछ नहीं करना है, आपको कठिनाई महसूस ही नहीं होगी। जैसे ही आप मोबाइल चलाते हैं, फोन पे बात करते हैं, उतना सरल है। प्रश्न नंबर 1 लिखा आएगा, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ टच करना है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। गलत टच हो गया तो नीचे एडिट बटन होगा, उसमें जाके सही टच कर देवे, तो लास्ट में आपको लिखा हुआ आएगा, टोटल 1008 प्रश्न थे, इसमें से आपने इतने हल कर लिए हैं, इतने आपके रह गए हैं, आप इनको भर सकते हैं। फिर बाद में जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, फिर एक बार लिखा हुआ आएगा कि अब आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं, इसके बाद कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। यदि वह बटन भी आप दबा देते हैं तो वह उत्तर पुस्तिका हमारे पास आ जाएगी ऑनलाइन डिजिटली प्लेटफॉर्म से, और तुरंत चेक भी हो जाएगी। तो हमारे जो चेक करने का जो श्रम था, और बहुत लोग लगते हैं, बहुत साधर्मी लगते हैं, और जैसे ही आपकी पत्रिका आएगी तो हमने उसमें सिस्टम बना रखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हम कोशिश करेंगे कि आउटपुट उसका दे दे रहे हैं, यदि आप ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो, ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, आप अपने टिकट्स अरेंज कर सकते हैं, फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, डेट सबको पता ही है। खास करके ये उन लोगों को सुविधा अवेलेबल रहेगी जो एकदम टॉप है, एक या दो गलती वाले हैं, मतलब इनका तो नंबर आना ही आना है, जिनकी ज्यादा होगी वो फिर सेकेंड लिस्ट आएगा। जैसे इसमें आगे है, बूझो तो जाने, ये जो आप देख रहे होंगे सुडोकू टाइप का है, नॉट सुडोकू, तो इसमें अब आपको यहाँ तो आपको ढूंढ के ऑप्शन लिखने हैं। डिजिटली जब जाएंगे तो वहां पर हर एक प्रश्न के दो दो चार चार पांच पांच आंसर रहेंगे, उन 5 आंसरों में से एक आंसर सही जो होगा वो आपको यहाँ टच करना है कि ये वाला सही है, तो आपको भर देना है। हर एक प्रश्न के पीछे वाले जो हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, इसलिए आपको बेहतर होगा आप ऑनलाइन एग्जाम दें। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शिफ्ट करना चाहते हैं आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन। हमारी मेहनत बचेगी, पोस्टेज बचेंगे, कागज बचेंगे, टिकट बचेगा, चेक करने का श्रम बचेगा, आपका संदेह बचेगा, क्योंकि आपने खुद ने एग्जाम दिए हैं, ऑटोमेटिक चेक हुई है, तो उसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व ना होने से वह संदेह भी दूर हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, हमसे ही कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन को प्रमोट करें। फिर भी जो लोग ऑफलाइन भरेंगे उनकी भी कॉपियां चेक की जाएंगी, उनका भी मार्क उसी में चढ़ाया जाएगा। सच बात यह है कि जो ऑफलाइन भेजेंगे ना, हमारे साधर्मी बैठ के उसको भी ऑनलाइन ही भरेंगे, आपकी उत्तर पुस्तिका देख देख के भरेंगे, पहले का, दूसरा, दूसरे का, तीसरा, तीसरे का, चौथा, ऐसा करेंगे, और आप खुद भी भरेंगे, काम एक ही होना है। हो सकता है आप ना भर पाए,
अपने बच्चों से कहें, अपने बच्चे ना भर पाए अपने मोहल्ले में कोई अच्छा होशियार बच्चा देख लें, उसे कहें बेटा हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, आज हमने घर की बनाई है, तुम थोड़ा हमारा काम कर दो। फिर भी काम ना हो, आप भेजने से पहले एक बार जरूर हमसे संपर्क कर ले, हमारे नंबर पर पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आपके नगर में हमारे कोई शास्त्रीय विद्वान बैठे हो, वो आपकी सहायता कर दे। हो सकता है हमारे आपके नगर में कोई प्रतिनिधि बैठे हो, वो आपकी सहायता कर दे। मतलब खास करके जो बड़े शहर हैं उन्हें तो भेजने की जरूरत ही नहीं है, कोई ना कोई सहायक मिल ही जाएगा। जहाँ स्वाध्याय सभाएं नियमित चलती हैं वहां कोई ना कोई आपको सहयोगी मिल ही जाएगा, जो आपका काम कर देगा या आपको रास्ता बता देगा। फिर भी कोई इंटीरियर में हो जिसके पास सुविधा ना हो, वे अपनी उत्तर पुस्तिका हमें भेज सकते हैं, हम उन्हें अपलोड कर देंगे। ये तो मैंने परीक्षा संबंधी आपको जानकारी दी है। अब मैं एक जानकारी और विशेष देना चाहता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन लूंगा। शुद्धि पत्रक, लाख प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है। प्रिंटिंग मिस्टेक दो तरह की होती है, एक वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कि आपको भी पता चल जाता है ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, और एक वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कि आप खोजते रहते हैं और समय उसमें ज्यादा जाता है। तो उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो ऐसी है, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रश्न नंबर है 118, 118 पेज नंबर है इसमें 45, पेज नंबर 45 है और क्वेश्चन नंबर है 118। इसमें है प्रश्न, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, कोई बात नहीं है, जिनके पास बुक हो वो अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, और नहीं भी हो तो सुन सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, बहुत कठिन चीजें नहीं है। इसका एक पूरा एक प्रॉपर क्या कहें डॉक्यूमेंट हम हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। पेज नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 118, क्या अपना और पर का स्वरूप सही सही समझने वाले सम्यक दृष्टि जीव को सप्त भय होते हैं, ऐसा ये प्रश्न है। उत्तर है, ऑप्शन दिए हैं, क हाँ, ख नहीं, ग उक्त दोनों, और फिर से लिखा है ग इनमें से कोई नहीं। तो अब ये जो दो जगह ग लिखा है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक है आप खुद भी समझ सकते हैं कि लास्ट वाला जो है गा नहीं घा माना जाएगा, क्योंकि क्रम के आधार पर यह चौथे नंबर पर है। तो इस टाइप की कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप बाद में कोई क्लेम करे कि नहीं मैंने तो ग भरा था क्योंकि इसमें ग लिखा था, नहीं, अगर तीसरे नंबर पे है तो आप ग लिखिए, चौथे नंबर पे है तो आप उसमें घ लिखिए। देखो स्क्रीन आपके सामने है 118 नंबर का, इसके जो ऑप्शन है कर्सर आपको दिख रहा है, 3 नंबर पे भी ग दिया है, 4 नंबर पे भी ग दिया है, तो 4 नंबर का यदि आप सही समझते हैं तो घ पर राउंड लगाइए, और 3 नंबर का सही समझते हैं तो गा पे लगाइए, प्रिंटिंग मिस्टेक पे ध्यान मत दीजिए। ऐसे ही इसमें और भी पेजेज हैं, जैसे नेक्स्ट पेज कौन सा है रविंद जी, याद है नितिन जी, 46 ही है शायद, हाँ, और 46 में भी ये है 134 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो बड़े बहुत प्यारे प्यारे हैं। विषयों के अधीन सुख मानना कैसा है, सम्यक श्रद्धान का, और फिर से लिखा है ख में भी का मिथ्या श्रद्धान, ग सम्यक ज्ञान, घ सम्यक चारित्र। अब ऊपर का 2 बार लिखा है, अब इसमें से एक खा है तो कौन सा खा होगा, पहले नंबर का या दूसरे नंबर का, शायद ये बताने की आवश्यकता नहीं है, का के बाद खा आता है, दूसरे नंबर का है, एक इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसी 2-3 जगह हमने पकड़ी हैं, आपको कहीं ध्यान आए तो हमारा जो व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है 7499-77257, उस नंबर पे कर देवे, मेरा नंबर जिनका पास हो मेरे व्हाट्सएप पे कर देवे, और भी आपको जैसे जिस माध्यम से हम तक बात पहुंचानी हो हम तक बात पहुंचाएं, ताकि हमारे शुद्धि पत्रक में हम उतनी सावधानी बढ़ा देंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, कौन सा है 366 366 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें भी वही है, 4 ऑप्शन में से पहला भी का है, दूसरा भी का है,
तो दूसरा ख हो जाएगा, ख खरगोश का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 627, इसके क्या हाल चाल है? 627 देखो भैया, पहले जो प्रूफ रीडिंग करने वाले लोग थे ना, वो जनपद बीता विज्ञान के संपादक थे, कम गलतियां थी। 627, इसमें भी वही है, चार ऑप्शन जो दिए हैं, पहला का है, दूसरा भी का है, जबकि दूसरा ख होना चाहिए। इस तरह से ये ऑप्शन वाले मिस्टेक जो हमारे ध्यान में आए वो हमने आपसे कहे। और अब लास्ट के जो प्रश्न हैं आपके, वो बहुत लोगों को मिल भी नहीं पा रहे होंगे उस चक्कर में, तो आज हम उसका रहस्य खोल देते हैं। इसका एक व्हाट्सएप फ्लायर आपको मिल जाएगा, जिसमें पेज नंबर, अशुद्ध और शुद्ध और प्रश्न नंबर ऐसा लिखा होगा। बूझो तो जाने, बूझो तो जाने में छह नंबर, ऊपर से नीचे की ओर 6 नंबर का प्रश्न और 7 नंबर का प्रश्न, यहाँ संशोधन है। 6 नंबर का प्रश्न जो है, इसमें लिखा हुआ है चारित्र की घातक प्रकृतियां। अब देखिए, ये तो आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता हैं जो हमें याद दिला देते हैं। कर्नाटक से किसी का फोन आया था, उन्होंने ये मुझको समझो जानकारी दी कि यहाँ जो है प्रकृतियां नहीं, प्रकृति होना चाहिए। यहाँ प्रकृतियां लिखी है ना, तो अपन बहुत सारा बंच ढूंढने की, गुच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रकृति लिखेंगे तो एक प्रकृति की बात आ जाएगी। चारित्र की घातक प्रकृति कौन है, ये प्रश्न है। और इसी के नीचे अनियोग का एक नाम, ब्रैकेट में लिखा है 5, तो आप लोग 5 अक्षर का अनियोग ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसमें जो है 5 की जगह 6 आएगा, आप 6 अंकों का अनियोग ढूंढिए। तो इस तरह से आपके ये बूझो तो जाने में 2 मिस्टेक जो हमें ख्याल में आई, प्रिंटिंग मिस्टेक, एक प्रकृतियां की जगह प्रकृति, और दूसरी अनियोग का एक नाम जिसके ब्रैकेट में 6 लिखे हैं, वो सॉरी 5 लिखे हैं, हमें अपने हाथ से 6 कर लेना है, ये यहाँ की बात हुई। अब है अगला, सम्यक तो पाओ मोक्ष जाओ, उसमें 9 नंबर का प्रश्न है और यहाँ लिखा है श्रोता के 10 भेदों में से एक। रत्नकरण श्रावकाचार्य में जब श्रोताओं की चर्चा की है, तो पंडित जी साहब ने वहां पर 16 भेद बताए, तो आप 10 की जगह 16 कर ले। में बहुत लोगों ने तो अपनी मर्जी से कर भी लिया, क्योंकि सब स्वाध्यायी जीव हैं, सब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, फिर भी जिनका रह गया हो वे इस बात पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। श्रोता के 16 भेदों में से एक, ये इसकी समझो ए मिस्टेक है। तो हमारे शुद्धि पत्रक में तो ये खास, तो ये एक बूझो तो जाने और सम्यक पाओ मोक्ष जाए, यहाँ ये भूल हमको पकड़ में आई है। और आपको किसी को कोई भूल पकड़ में आई हो, वो जरूर हमसे शेयर करें, हम अन्यत्र भी उसको पहुंचाएंगे। ये हमें अपनी बात कहनी थी, और अब हम आपके कुछ प्रश्न ले लेते हैं। बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी है, परीक्षा की ऑनलाइन लिंक आ जाएगी, तब आपको परीक्षा देनी है। जिनके पास कोई संसाधन ना हो, वे ऑफलाइन पुस्तिका हमें भेज देवे, हम उन्हें चेक करेंगे। और आज चलो, अगले संडे से तो हम समझो इसका प्रयोग करेंगे ही। आज अगले संडे से क्या प्रयोग करने वाले हैं, उसका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है, तो हम यहाँ एक डेमो दे देते हैं आपको, जो प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और डेमो कैसे दिया जाए, कौन खेलना चाहेगा इनमें से, आप बता सकते हैं, हम उनको अभी डेमो में खिला सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप, कैसे करें इनका, या जितने भी लोग हैं इनका एक समरी आ जाए, तो इनमें से ही चक्र चला दे मैं बस सतपथ। आप हैंड रेज कर दीजिए, जो जो हैंड रेज करेंगे उनके नाम हम चक्र में डाल लेंगे। रविंद जी, चक्र चलाया जाए, मान लो चक्र चल गया। एक सेकेंड, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8,
नौ नौ नाम सामने दिख रहे हैं। कुछ लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज रहे हैं। इस डेमो के बाद हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उनके शंका समाधान करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ जी हाँ। और अब मैं हमारे संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा, सतपथ चक्र चलाया जाए और डायरेक्ट लेकिन पहले हॉट सीट पर तो बिठा लो भैया, किसको बिठाएं, कंफ्यूज कर दिया, इतने लोग हैं। हाँ चल गया है चक्र, मान लो चल गया, डेमो तो डेमो ही होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन जी, ये हमारे कार्यकर्ता का नाम है। अभी जल्द मतलब इतनी फास्ट सर्विस नहीं थी कि आपने जिन्हें हैंड रेज किए थे उनके सारे नाम आ जाए। जब हम गूगल की लिंक देंगे पांच प्रश्नों की, और वे पांच प्रश्न जो लोग हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वे नाम हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं और चक्र में आ जाते हैं, और वो चक्र चल जाता है। इसलिए अभी हम सिर्फ डेमो के लिए सबको एक साथ खेल लेते हैं, एक काम करते हैं, अनम्यूट कर देते हैं, खास करके जो हैंड रेज किए हैं उनको अनम्यूट कर दो, नहीं तो पता चले उद्घाटन समारोह में ही कोई प्रसन्न कोई नाराज नहीं हो सबको। हाँ सबको ठीक है, जिन जिन्होंने हैंड रेज किए हैं उनका अनम्यूट कर रहे हैं, वे सावधानी रखें, इधर उधर की आवाजें ना आए। और अब हम प्रतियोगिता प्रारंभ कर रहे हैं, इसका नाम है विश्व स्तरीय सतपथ प्रश्न मंच। या दो डिवाइस हो वो एक कर ले रहे हैं तो ये आवाज हमको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। तीर्थंकर महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर विवेक जी, इसमें निर्वाण महोत्सव के बाद का हिस्सा कट रहा है मेरी स्क्रीन में, बाकी जगह क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बाकी जगह पूरा दिख रहा है क्या? पूरा दिख रहा है। नहीं, मेरे से क्या नाराज है? हाँ मेरे अभी दिख गया, मैंने जूम आउट किया था, सॉरी। विश्व स्तरीय सतपथ प्रश्न मंच में आपका स्वागत है और ऊपर आगे बढ़ते हैं। मेरे नहीं आया था। अरे विश्व मेरा नाम स्तरीय कौन है? स्वागत है और सबसे पहले हम नियमों के बारे में जान लेते हैं, यही नियम विद्वान और साधारण सर हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ग्रंथ के कर्ता भद्र आचार्य भीतर सब ओर से भद्र रूप थे, अतः उनको किस नाम से संबोधित? आपके ऑप्शंस हैं बी समंत भद्र, सी निकलंक देव, डी देवसेन। बोल दो आप तो, सब अनम्यूट हैं। नहीं है, कर दो इनको, जिनने हैंडल किया उनको तो कर दो, क्यों नहीं आएगी? आएगी आएगी।
चंद्र प्रभु भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु, सी चंद्र प्रभु जी, चंद्राचार्य ने समंतभद्र देव को किस नाम से संबोधित किया है? ये विश्वभूषण, बी भारत भूषण, सी वाणी भूषण, डी पद्म भूषण। आपके पास लाइफ लाइन है, आप लाइफ लाइन ले सकते हैं 50-50, और विद्वान और ऑडियंस, ऑडियंस साधर्मी, चलिए 50-50 लाइफ लाइन। भारत भूषण आचार्य समंत भद्र देव को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा चतुर्वादियों की आज को मिटाने के लिए महौषधि किस ग्रंथ में कहा है? क्या ऑप्शन है? ये हनुमत चरित्र, बी पांडव चरित्र, सी श्रीपाल चरित्र। हनुमान चरित्र जी, बी श्रीपाल, हनुमान चरित्र। यदि आपने उत्तर दिया होता हनुमान चरित्र तो सही होता, ऐसा यहाँ लिखा आ रहा है। अभी हम प्रश्न उत्तर नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ डेमो चल रहा है। आप पधारे, आपने इसमें भाग लिया, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, ये थी संक्षिप्त जानकारी, सारी की सारी चीजें वही हैं। इतिहास दोहराने का प्रयास है, सिर्फ माध्यम बदल गया है। पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का अभ्यास था, स्वाध्याय था, और अब श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ। हाँ जी, ऑनलाइन एग्जाम का डेमो, विवेक जी पूछ रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम का डेमो चाहिए या डायरेक्ट लिंक भेज दें? देना है एक एक सैंपल हम आपको दे देते हैं ऑनलाइन एग्जाम का भी, एक मिनट के अंदर अंदर, तो आपको ऐसा राहत महसूस होगी, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। सौंदर्यकरण अभी नहीं हुआ है, सिर्फ आपको उसका बेसिक चीज दिखेगी। हाँ जी, हाँ जी, विवेक जी, हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। सबसे ऊपर सतपथ का लोगो है और वहां लिखा हुआ है लॉग इन टू यू सतपथ अकाउंट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर,
आर के एस से प्रारंभ होगा क्योंकि अपना नाम दिया हुआ है। अभी इसमें डमी हम डाल रहे हैं और डमी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं और हम अपना खुद का डमी मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और लॉगिन करके आपको बता रहे हैं। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और जो लोग लॉगिन नहीं होंगे, समझो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कहीं से पत्रिका मिल गई है फिर भी उनको एग्जाम देना है, तो नीचे क्रिएट अकाउंट लिखा आ रहा है, उस क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ नाम पता एड्रेस पूछेंगे और वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से क्विज दिखेगी। सबसे ऊपर डैशबोर्ड देख लीजिए आप, बाकी सब चीजें तो आप खुद देख लेंगे। डैशबोर्ड जो है ना, सबसे ऊपर हेडलाइन जो दिख रही है आपको, उसमें लिखी है क्विज कैटेगरी 7, टोटल क्विज 7, टोटल क्वेश्चन अभी 0 लिखे हैं। जैसे ही आप किसी पर जनरेट क्विज करेंगे, जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इस तरह से कैटेगरी बनाई है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे अभी हम जनरेट क्विज करते हैं, तो जैसे हम जनरेट क्विज करेंगे तो यहाँ क्विज जनरेट हो जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप की। और स्टार्ट क्विज कीजिए तो यहाँ प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे। सबसे ऊपर देखिए टोटल क्वेश्चन 900, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 900 प्रश्न है वो सामने आ गए हैं। और ये प्रश्न है, श्री रत्न कर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के कर्ता कौन है? लिखिए आचार्य अमृत चंद्र देव। सबमिट कर दीजिए, जरूरी नहीं है मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो सच हो। ग्रंथ के कर्ता समन्तात्र भद्र आचार्य बाहर और भीतर सब ओर से भद्र रूप थे, आता है उनको किस नाम से संबोधित करते थे? ये आंसर मैं आपको सही बता देता हूँ, नकल करवा दो थोड़ी बहुत। कौन सा है इसमें? समन्तात भद्र। चलिए सबमिट, आप समझ गए। आपको सिर्फ टच स्क्रीन होगा तो आपको टच करना है, नीचे सबमिट बटन दबाना है। ये जो सबमिट बटन है ये फाइनल सबमिट बटन नहीं है, ये तो सिर्फ प्रश्न का आंसर आपने दिया है। जब प्रश्न का आंसर देने के बाद लास्ट में जब आप सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, फिर वहां सबमिट बटन का ऑप्शन आएगा और वहां सबमिट बटन का ऑप्शन आने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि अब आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं, इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। यदि आप उसको कर देंगे तो आप उसमें आ जाएंगे। दूसरा जैसे आप देखिए कौन सा, हाँ जनरेट कीजिए, हाँ जोर से बोलो, हाँ 6 नंबर मेक वर्ड, जो आपने शब्द दिए है ना, एक शब्द जो अक्षर आगे पीछे लिखे हैं, ये वो वाला कार्यक्रम है। यहाँ क्या नाम है उसका, देखो मैं बताऊँ आपको, आओ बिखरों को सुलझाएं। बड़ा भारी काम है भैया बिखरों को सुलझाना, एक बार जो बिखर गया वो बिखर गया, सुलझता है क्या? लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे बिखरों को सुलझाएं, शायद बात जिनके पास होगा सुलझ जाएंगे। देखिए अब ये जो है बिखरे अक्षर लिखे हुए हैं, आपका टच स्क्रीन मोबाइल होगा, आप उंगली से उसको टच करके अक्षरों का आगे पीछे रख सकते हैं। कर्सर होगा लैपटॉप में दे रहे होंगे तो आप माउस से कर सकते हैं, तो इस तरह से ये अक्षर आगे पीछे करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये उसमें जमा हो जाएगा। सबमिट, फिर नया आ जाएगा, फिर नया आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही यूजर फ्रेंडली, मतलब बहुत श्रम किया गया है। आप समझ लीजिए 3 दिसंबर, कब से, नवंबर में मैं दुबई गया था तब से कार्यक्रम इस पर चालू है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और यहाँ आ गए। और कौन सा है, एक जनरेट कर दीजिए, कौन सा मैच वाला, मैच पेयर, यहाँ क्या नाम है उसका, अपन यही वाले नाम यहाँ लिखवा देंगे ना, हो जाएंगे तो ब्रैकेट में इजी हो जाएगा। ग्रंथ उठाओ जोड़ी मिलाओ, अब देखो साहब अभी इसमें कैसे जोड़ी मिलाएंगे। अच्छा ऊपर 1 नंबर लिखा है आज्ञा विचय, ठीक है। अब इस आज्ञा विचय में से ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सारे ऑप्शन दिए, इनमें से जो सही हो वो आज्ञा विचय के सामने ले जाके उठा के पटक दो। तो जैसे आप उठा के रख देंगे तो वहां ऊपर आ जाएगा, आपको खाली जगह में दिखा आपने, जैसे 70 लोगों के पास ले गए बॉक्स में, तो वहां ऊपर लिखा आ गया आचार्यानु व्रत, तो आप सबमिट कर सकते हैं इसको। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा, ब्रह्मचर्यानु व्रत के साथ क्या जाएगा, फिर वो के वही 20 ऑप्शन आपके पास कितने हैं जितने हैं, सारे के सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। बहुत 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 इजी बनाने के लिए ही समय लग रहा है, हार्ड बनाने में समय नहीं लगता है। मैंने शुरुआत में भी बताया था और फिर से बता रहा हूं, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वन सिटिंग में पूरा एग्जाम नहीं देना है। आप बिल्कुल आंख बंद करके तसल्ली से, आज समझो दिन भर में बैठ के आपने भरना चालू किया और आपने 80 प्रश्न भर पाए,
इतने में किसी का फोन आ गया और बिजी हो गए और बाहर निकल गए। अगले दिन जब आप हमारे इस लिंक को लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर डालेंगे, तो वहां वही दिखेगा कि 80 प्रश्नों का उत्तर आप दे चुके हैं, 81 वाला प्रश्न ये रहा। तो आपको बिल्कुल इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक साथ इतने घंटे नहीं बैठ पाऊंगा, आप बिल्कुल फुर्सत में रहें। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर याद रखें। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं होगा तो आप एग्जाम देने में असमर्थ होंगे, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर याद रखें। जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहे होंगे वे हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराएंगे। जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं होगा, अभी अष्टांगिका महापर्व के अवसर पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अभी आप इमीजिएटली अपना, अपने परिवार वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप सुरक्षित रख लीजिए। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप एग्जाम दे पाएंगे। एक ही पुस्तिका आपके पास है लेकिन 5 रजिस्ट्रेशन करा दो, आज निःशुल्क चल रहा है, वो 5 आप भर दीजिए। ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। तो हमारे अब पिछली बार तो हमने बहुत दिमाग लगाया था किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, इस बार मशीन बुलाएगी, मशीन में जो नाम ऊपर आ जाएंगे उससे मैसेज आपको चले जाएंगे, पधारिए साहब स्वागत है। और उसकी भी तैयारी बड़े जोरों शोरों से हमने प्रारंभ कर दी है। स्वाभाविक बात है जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमारा श्रम कई गुना ज्यादा हो रहा है और हिम्मत आधी बची है, लेकिन चूंकि संकल्पित कार्यक्रम है तो अपन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत उत्साह से करेंगे। आप कहेंगे तो हम एक आध झलक उसकी दिखाना चाहें तो आपको उसकी भी दिखा देंगे, अगले एपिसोड में दिखा देंगे। सबको मन बनाना है और अच्छे से मन बनाना है और इस कार्यक्रम को इस स्तर तक ले जाना है कि यदि सच में हम इस परंपरा को, इस श्रृंखला को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और अगला ग्रंथ फिर अगला ग्रंथ और फिर अगला ग्रंथ, और ये सारा ऑनलाइन, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना ऑनलाइन, इन फ्यूचर के लिए बताना चाहता हूँ, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई भी चीज का। ये समय जो जा रहा है ना हमारा, वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम, हमेशा हमेशा के लिए। रत्न करंट श्राव का चार की एग्जाम किसी को देनी होगी, वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और वहां एग्जाम देना शुरू कर देगा, और उसका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा और आपको कंग्रेचुलेशन मिल जाएगा कि आपने इतने प्रश्न सही दिए, इतने गलत दिए। जो प्रश्न गलत दिए आप उन्हें द्वारा पढ़िए, समझिए, सीखिए। पिछली बार हमने जो अभ्यास किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसकी भी ऐसी ही एप्लीकेशन बन जाएगी, उसके भी सारे प्रश्न ऐसे ही आ जाएंगे। इस तरह से हमारी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। सतपथ की हर एक टीम पूरे विश्व में जहां 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 से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम इस बात में बहुत कंजूस हैं कि हम लोगों की थैंक्स गिविन नहीं कर पाते हैं, ना अपने दातारों का धन्यवाद बोल पाते हैं समय से, ना हमारा जो सहयोग कर रहे हैं उनका बोल पाते हैं, लेकिन वे मन ही मन समझते हैं कि ये सब ठीक है। बोले इतना अनौपचारिक वातावरण बन गया है कि अब बीच में कोई एरर नहीं रहा है, बिना अपेक्षा के लोग सहयोग कर रहे हैं और हम भी बिना किसी अपेक्षा के इसमें दिन रात लगे हुए हैं। निस्संदेह धीरे 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 वातावरण बहुत बढ़िया बनेगा और हम सब इसका भरपूर लाभ लेंगे। अब जो चैट बॉक्स में आपके प्रश्न हैं, किसी के प्रश्न कुछ खास आए हैं क्या? नितिन जी चैट बॉक्स में प्रश्न देख लीजिए, कोई खास प्रश्न हो तो उन्हें बता दीजिए। अजित जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 1-2-1 आप ले लीजिए। अजित जी को अनम्यूट कीजिए। ये पेज नंबर क्यों खोला गया है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये रत्नकरण शावकाचार्य जी के अधिकांश श्लोक किस छंद में लिखे, ये कहीं मिला नहीं मेरे को। हाँ, ये बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। आपसे पहले भी कई अनेक श्रोता पूछ चुके हैं, मुझे जहां तक मैंने कोशिश की है जानने की, देखने की, तो मुझे कुछ छंद इसके अनुष्टुप के दिखे, कुछ छंद इसके आर्या के दिखे, और एकाध छंद कुछ और हो। तो आपको कोशिश करनी है देखने की कौन से छंद में है। अब आप कहेंगे हम कोशिश कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी कोशिश की बड़े सरल तरीका होता है, मैं आपको 2 छंदों की लय बता देता हूं, उस लय के आधार पर आप तुरंत निर्णय कर सकते हैं ये छंद कौन सा है। पहला तो जो है अनुष्टुप नाम जो है ना, अनुष्टुप, ये समझिए जैसे हिंदी में दोहा होता है ऐसे संस्कृत में अनुष्टुप होता है। रहीम दास जी के दोहे होंगे, कबीर दास जी के दोहे होंगे, हमारे बुद्धन जी के दोहे हैं, सत्सई लिखी है उन्होंने, तो दोहे जैसे प्रसिद्ध होते हैं। हमारी कई बार राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना दोहे में लिखी गई है, अधिकांश पद उसके दोहे के हैं, बीच में चौपाई वगैरह भी है। तो इस तरह से अनुष्टुप छंद भी ऐसा ही है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणा जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। ये जो लय है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, नमः समय सार से मिलती जुलती जितनी भी लय हैं, मंगलम भगवान मीरो से मिलती जुलती जितनी लय हैं, वे सारे अनुष्टोप हैं। इनकी मात्राएं और छंद आपको छंद वगैरह मिल जाएंगे। और जो बड़े बड़े छंद हैं, खास करके उनका पठन पाठन होता है वंदे तो सब सिद्धे धोव मचल मणोव गिम पत्ते वोक्षामि समय पाहुड़ मेडमो सुद केवली भणिदम। इस लय में जो पाठ होते हैं वो है आर्या छंद। तो इसमें कुछ आर्या हैं, कुछ अनुष्टुप हैं। अब ज्यादा कौन से हैं ये तो श्रम आपको करना चाहिए। अच्छा, दूसरा और पूछना था कि जैसे आपने अभी ऑनलाइन वाला बताया रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें क्या आरकेएस शब्द भी लिखना पड़ेगा फिर नंबर डालने पड़ेंगे या डायरेक्ट नंबर? आरकेएस लिखना पड़ेगा क्योंकि हाँ, आरकेएस लिखेंगे, आरकेएस के तुरंत बाद नंबर लिखेंगे, बीच में खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, स्पेस नहीं, स्पेस नहीं, स्पेस भी नहीं देना है, अकेले नंबर नहीं डालना है आरकेएस, क्योंकि इससे पहले वाला जो सीरीज थी वो एमएमपी है, मोक्ष मार्ग प्रकाश, ये आरकेएस है रत्नकरण श्राव का चार। अगली कोई और ग्रंथ आएगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा, तो वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए और ऐसे अनेक ग्रंथों के संग्रह के लिए सुविधा रहे। क्या लिंक कब लॉन्च होगी? लिंक जब भी लॉन्च होगी, जो लोग रजिस्टर्ड किए हुए हमारे पास उनको एसएमएस आएगा, उनको व्हाट्सएप आएगा, और अल्टीमेटली हमारी कोशिश रहेगी उनको एक कॉल भी आएगा कि लिंक लॉन्च हो चुकी है और हमने आपको मैसेज कर दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है, कृपया वहां से आप ज्वाइन करें। जिन्हें लिंक नहीं मिलेगी अपने व्हाट्सएप या एसएमएस में किसी भी कारण से, कभी नंबर पोर्ट होता है, कभी बंद होता है, डिलीवर नहीं होता है, 80-90% के आसपास डिलीवरी सिस्टम है एसएमएस में और व्हाट्सएप में, तो हमारे satpath.org पर जाकर भी लिंक वहां फ्रंट पेज पे अवेलेबल रहेगी। उस पर सबसे ऊपर लिखा रहेगा एग्जाम लिंक, सतपथ प्रश्न मंच एग्जाम लिंक सबसे ऊपर, तो वहां से टच करके ले सकते हैं। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में घूमेगा, जब वातावरण बनेगा तो बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा लिंक आ गई है। महावीर जयंती से पहले आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी आप आकुलता ना करें, आकुलता इसलिए ना करें, तैयारी करके पूरी रखें, आप ऑफलाइन आंसर शीट भर के रखें, जैसे ही लिंक आएगी आप उसमें अपलोड कर देंगे, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, और फिर आपको कुछ करना नहीं है, बस बटन दबाना है, ऑटोमेटिक रिजल्ट तैयार हो जाएगा, अगले एक आध हफ्ते में आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। इसलिए पहले जैसा नहीं है कि आज भेजेंगे तो 2 महीने बाद चेक होने के बाद रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा इस बार। ग्रैंड फिनाले की डेट वैसे तो बतानी नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं, क्योंकि आएंगे वही लोग जिन्हें आमंत्रण दिया जाएगा, या किसी न किसी कार्यक्रम के भी हिस्सा होंगे, जैसे विधान होगा या ध्वजारोहण होगा या मंच पर चित्र अनावरण होगा या कलश जो लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा उस हिसाब से, क्योंकि इस बार हम कम से कम भी प्लान कर पा रहे हैं, तो हमारा हमें ऐसी आशा है कि 2500 के आसपास लोग रहेंगे। पिछली बार ये संख्या 1200 के आसपास थी, हमने टॉप 200 लोगों को आमंत्रित किया था पिछली बार, और इस बार अभी जैसे ही एग्जाम चालू होंगे तो हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रण देवें, ताकि वो वहां पे लाभ ले सकें और अगले ग्रंथ के लिए भी वे तैयार रहें। अभी जिनका स्वाध्याय में वीकनेस आ रही हो या ऐसा लग रहा हो कोई सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपको जानकारी लिए बताना चाहता हूँ, आदरणीय पंडित जी अभय जी साहब देवलाली वालों के प्रवचन शुरू हैं, उनके चैनल पर मिल जाएंगे। वस्त्रापुर मंदिर अहमदाबाद के चैनल पर आदरणीय पंडित जी शैलेश भाई तलोस साहब के प्रवचन मिल जाएंगे गुजराती में, अभय जी भाई साहब के हिंदी में, प्रसन्न जी सेठे सांगली से प्रवचन कर रहे हैं रत्नगण श्रावकाचार के ऊपर मराठी में,
और अभिजीत जी के प्रवचन अवेलेबल हैं कन्नड़ में मैसूर से, और हिंदी में आदरणीय संजीव जी भाई साहब के भी कुछ प्रवचन अवेलेबल हैं, मेरे 240 पूरे प्रवचन अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। श्रेणिक जी भाई साहब का प्रवचन चालू है रत्नानंद श्रावकाचार्य जी के ऊपर, और भी अन्य अनेक जगह सभाएं चल रही हैं, तो जहां जिसको जैसे लाभ लेना है वे उसका लाभ ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे करवाऊं? बधाई हो, ये सबसे प्रसन्नता का विषय है कि आज आपका भाग्योदय हुआ है। चैट बॉक्स में हम अभी तत्काल में एक लिंक डाल देते हैं, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। satpath.org लिखेंगे आप, satpath.org वेबसाइट पे जाएंगे, वहां सबसे पहले सबसे ऊपर प्रश्न मंच की लिंक ही आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगी। वहां आपको फॉर्म भरना है, नाम पता एड्रेस बताना है, शुल्क उसमें नहीं देना है क्योंकि अभी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चालू है 31 मार्च तक, तो आप बहुत इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो सतपथ का जो नंबर है 7499772577, इस नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड ये चीजें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे लोग आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, और पुस्तिका नहीं होगी तो पुस्तिका भेज देंगे, पुस्तिका अगर आपके पास होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अकेला रजिस्ट्रेशन करा के आगे बढ़ सकते हैं। लिंक आपको चैट बॉक्स में अभी यहाँ दे दी गई है। नितिन जी और भी किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो ले लीजिए, चैट बॉक्स में देख लीजिए। हाँ जी हाँ जी, शशि जी आप अनम्यूट हैं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। अभी मैंने जो विधि बताई थी उस विधि में आप शामिल हो सकते हैं, satpath.org से आप लिंक चैट बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं तो सतपथ के नंबर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड भेजिए, हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और मेरी मेरे पास किताब भी नहीं है, वो फॉर्म भी नहीं है, वो जो बोल रहे थे आप, हाँ हाँ वो भी नहीं है। ये पुस्तक आपके पास है कि नहीं? नहीं है, ये पुस्तक नहीं है पंडित जी। कौन से शहर से हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से, बहुत जी। उद्घाटन जी को जानते हैं आप ग्वालियर में? हाँ जी। हाँ तो उनका नंबर है आपके पास? सुधातम नहीं, मेरे पास तो नहीं है। आप अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, अभी लिख दो। हाँ हाँ आप भी लिख दीजिए, मैं आपका नंबर सुधातम जी को दे दूंगा, उनके पास पुस्तिकाएं हैं, वो आप तक पुस्तिका भी पहुंचा देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। ओके। ग्वालियर बहुत बढ़िया जगह है, हमने नाम सुन रखा है उसका। चलिए नेक्स्ट। अगले वीक का टाइमिंग बता दीजिएगा। यही 9 से 9 से 10:30 जी, ये वीवो वी 2022। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी जी जय जिनेन्द्र। एक्चुअली ये भूजो तो जाने जो ये वाला है पीछे पहेली दे रखी है, 98 पेज नंबर। यस। इसमें ये जो 9 नंबर का है ना, उसमें ऊपर से नीचे में लिखा हुआ है सच्चे आप्त का लक्षण। ओके। सच्चे आप्त का लक्षण, हाँ जी। हाँ तो ये ना इसमें 4 बॉक्स खाली है, 4 बॉक्स में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या फिल करें। सर्वज्ञपना, निर्दोषपना, हितोपदेशकपना, सच्चे आप्त के लक्षण में। अब 4 बॉक्स में, मतलब 4 बॉक्स दे रखे हैं, उसमें फिल नहीं समझ में आ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, या तो 5 का बन रहा है, 4 का तो कोई आ ही नहीं रहा, 3 का बन रहा है, या 5 या 6 का बन रहा है। ये है बूझो तो जाने, बूझो तो जाने, 9 नंबर के ऊपर से नीचे वाली में, 9th। 4 नंबर का कुछ ना कुछ तो होगा, जो अपने सर्वज्ञ, क्या कहना चाहिए, अपने भगवान का जो लक्षण है, आप तो लक्षण है, आपके लक्षण में मिल जाएगा। बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, उसे पता लग रहा है कि उनको मिल गया है, ठीक है, ये मुस्कुराहट बहुत अच्छे से है। और ये अच्छे से तीसरे छंद में ही, मतलब शुरुआत के जो 4-5 छंद है ना, उसी में आप
जाएगा और बहुत प्रसिद्ध शब्द है, जब मिलेगा तो आपको कह रही ये तो हम जगह जगह पढ़ते हैं, ऐसा शब्द है वो। मतलब जैन धर्म की शुरुआत उसी शब्द से होती है। कोई आपसे पूछ रहे हैं भगवान कैसे हैं, तो उसका जवाब उसी शब्द से आता है। अब मैं बस कह नहीं सकता यहाँ से, और अगर वो ऑनलाइन चक्र में आ जाएगा तो आप उसमें शामिल रहिए, हो सकता है समाधान मिल जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? थैंक समझ में आ गया मुझे, मिल गया आंसर, मिल गया, थैंक यू। ठीक है, ये चमत्कार होता है भाई साहब, प्रश्न पूछने का अपने आप समझ में आ जाता है, और क्या चाहिए। मिल गया, बीत रहा है। तो बूझो तो जाने में ही ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमें भरने में। एक तो सारे बॉक्स भी नहीं दिए हुए हैं इसमें, सारे बॉक्स ओपन नहीं है इसमें, कि बॉक्स जैसे है, माल ज्यादा है आपके पास। हाँ, बॉक्स कम माल ज्यादा है। एडजस्ट करेंगे अपन लोग, क्या एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं, आपको अड़चन आ रही है। जैसे ये 2 नंबर का है, इसमें भी दिक्कत आई थी। दो नहीं नंबर सॉरी, के दो नीचे नंबर नहीं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नंबर नहीं था। ये मुझे आई है, चारित्र की घातक प्रकृतियां, 6 6 नंबर में। और एक मेरे को ये श्रोता के भेद, ये नहीं समझ में आया, श्रोता के भेद वहां पे जो दिए हैं श्रोता के, उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं बैठ रहा कि जो इसमें फिट होता हो श्रोता के भेद में। शायद आप शुरुआत से जून से ना जुड़ पाए होंगे, आज हमने शुरुआत यहीं से की थी। शुद्धि हमने जारी किया है, ये 6 नंबर का जो ऊपर से नीचे है, चारित्र की घातक प्रकृतियां, तो प्रकृतियां की जगह आप सिर्फ प्रकृति लिखे हैं वहां, प्रकृति। तो एक तो ये शुद्धि है, दूसरी अनुयोग का एक नाम इसके नीचे है 7 नंबर पे, 5 अंक लिखे हैं, 5 अंक की जगह आप 6 अंक वाला अनुयोग लिखे। और ये सम्यक्त पाव मोक्ष जाए में जो श्रोता के 10 भेद हैं, तो यहाँ 10 की जगह 16 लिख ले, श्रोता के 16 भेदों में से एक, तो फिर आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र पंडित जी, कोटेरा कहाँ से, कौन सा गांव है ये? फुटेरा से। अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया है, बताइए। अभी भी दर्शन वो किए हमने फुटेरा के। बूझो तो जाने वाला जो है, उसमें 7 नंबर का जो सत असत का भेद है वो नहीं आ रहा, और पूरा कंप्लीट हो गई मेरी। जाने बड़ा मतलब वो हो रहा है, ये तो हम जब छोटे थे तो एक कविता थी हमारे यहाँ, बूझो तो जाने कौन सी, लाल बुझक्कड़ नाम था उसका। खैर, आपको कौन सा बोला मैं तो भूल गया, तब तो 7 नंबर 7 नंबर असत्य भालसा, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है तो ये। उसमें बैठ नहीं रहा है। 1 7 वाला तो दाएं से बाएं का हो गया है, या ऐसा वाला नहीं मिल रहा है, दाएं से ऊपर से नीचे वाला नहीं उसमें सेट हो रहा। भेद तो मैंने सब देख लिए असत्य के, उसमें कोई सेट से नहीं कर रहा है। ऊपर से नीचे जब देखेंगे ना, तो सत्य असत्य के भेद मत देखो, असत्य के भेद तो दाएं से बाएं हैं, ऊपर से नीचे तो अनियोगों का नाम है, और हाँ अनियोगों तो बताओ ना, वो प्रतिमान योग मैंने लिख लिया ऊपर से नीचे, अब इस साइड से नहीं ऐसा आ रहा है, उसमें कोई भी भेद नहीं बैठ रहा है उसमें। मिल जाएगा। देखो ये अनियोग के नाम तो 6 अंकों वाला अनियोग लिखें, 5 की जगह 5 गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, और असत्य भाषा के लिए धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनमें से सत्य धर्म का प्रकरण पढ़ें, तो असत्य भाषा के भेद आपको उसमें मिल जाएंगे। हाँ तो उसमें तो आए हैं शायद आबाद्य आविद्यमान ऐसे, लेकिन वो इसमें सेट नहीं हो रही थी पंडित जी। अलग अलग नाम बताए आप, फलानी भाषा ढिकानी भाषा, और उसे अलग अलग नाम है, तो एक अनेक नाम फिट बैठ जाएगा, और उसी के चलो पास है बिल्कुल, आप बिल्कुल मतलब पहुंच गए प्रश्न के पास, ये समझ लो आप, जैसे फुड़ेरा से जितनी दूर खड़े रही है बस इतनी दूर प्रश्न रह गया, ये समझ लो। नेक्स्ट। पंडित जी, एक क्वेश्चन और है, एक एक मिनट। ये जो क्वेश्चन नंबर 369 है, 369 में, इसमें जो कौन उत्तम से गांव, कुंतल योग है, थ्री गांव कौन सा है? हाँ, सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 62। आपका तो कार्यक्रम हो गया ना, आप फिर से आए क्या? हाँ जी हाँ जी, एक कौन क्वेश्चन सा नंबर।
शहर का नाम? दिल्ली। शहर का नाम दिल्ली। और राजधानी वाले को तो बतानी पड़ेगी भैया, आपके यहाँ तो पूरे देश इनसे ही चल रहा है। कौन सा प्रश्न है बोलिए? 369 प्रश्न है। 69। 369 मिल गया। टू पेज नंबर है। उत्तम कुल के योग्य नहीं ऐसे पहनावे वेश्या के पहनने के विकार रूप वस्त्र आवरण आदि के सेवन को किस प्रकार के अवक्ष में किया गया है? यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अवक्ष तो हम समझते हैं खाने पीने की चीजें ही हैं, ये हाँ चीजें जी भी अवक्ष होती हैं क्या? अवक्ष का अर्थ है जो ग्रहण करने योग्य ना हो, और पंडित जी साहब ने इसकी चर्चा की है, और ये जो चार अवक्ष बताए हैं उनमें से किसी एक का नाम वहां दिया है कि ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? रतनकरण श्रावकाचार्य जी में मिल जाएगा? आपको हाँ मिलेगा तो रतनगंज श्रावकाचार्य जी में ही। मैं आपको पेज नंबर और पंक्ति पंक्ति लाइन नंबर बता देता हूँ, अकेला पेज नंबर बता दूँ, लाइन नंबर नहीं बताऊँ चलेगा? पेज हाँ जी, हाँ जी चलेगा। नंबर भी एग्जैक्ट बताऊँ कि आसपास के बता दूँ? चलो आसपास के बताएंगे तो भी चलेगा। ये अच्छा रहा, आपने इतनी छूट हमको दे दी ना तो हमें बताने में दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा बताओ। तो ये पेज नंबर है आपका रतनगंज श्रावकाचार्य में 145 से 150 के बीच में। पढ़ते ठीक है सर, ठीक है पंडित। हाँ रहिए पढ़ते रहिए। चलो नेक्स्ट। धन्यवाद। जय जैन भाई साहब। हम जिनेन्द्र सिवनी से बोल रहे हैं। ये बूझो तो जानो भाई, जो 10 है ना भाई साहब, 10 भोगों परिणाम का अतिचार, उसमें तो दो तीन ऑप्शन यानी सही आ रहे हैं उसमें, यानी दोनों तीनों। जो अच्छा लग रहा हो लिख दो, कौन आपको रोक रहा है? नहीं तो मान लो आप लोग, आप उसमें जो ये ऑनलाइन में जो वो करेंगे, कौन सा प्रश्न सही करेंगे, तो फिर गलत नहीं हो जाएगा क्या भाई साहब? वो नहीं, ऑनलाइन में देखो सही तो एक ही होगा, अपने को तीन सही लग रहे होंगे, लगने में अच्छा। सही अंतर है। जैसे और भाई हम साहब इसमें क्या क्या सुधार है, थोड़ा मैं अभी ज्वाइन करी तो आप बता दीजिए ना। ये किसमें बूझो तो जानो में कौन कौन सा सुधार है आपने बताया ना अभी। जी, हमने दो दो सुधार किए हैं ऊपर से नीचे वाले प्रश्न में, एक 6 नंबर में, एक 7 नंबर में। 6 नंबर में सुधार किया है, अच्छा चारित्र की घातक प्रकृतियां छपी हैं, प्रकृतियां की जगह प्रकृति, हाँ बहुवचन की जगह एक वचन। और दूसरा 7 नंबर है, अनियोग जी का एक नाम में 5 अंक छपे हैं, उसकी जगह आप 6 लिख लीजिए, क्योंकि 5 अंकों का अनियोग वाला यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है कोई भी। तो 6 में कार्यक्रम आपका सही संपन्न हाँ, हो, वही मेरे को भी समझ में आ रही थी और फिर भी कुछ समझ जी में भाई नहीं, साहब। धन्यवाद भाई। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञाता सिंह है, उसके पापा सुबोध जी हैं, उनको जो है आपका सहयोग नहीं करें। तो अच्छा उन्होंने पढ़े नहीं ना, तो बोले तो मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा बता रहा था क्या था। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। सिवनी भी बढ़िया जगह है, हमारे यहाँ से छत पर खड़े हो जाए सिवनी दिखाई देती है। बोलो जी नेक्स्ट। सतपथ पे सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले। भाई साहब नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए किसी को, और ये 5-10 मिनट में अपन जो है आज का संपन्न करेंगे। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। अब आपको मिली थे ना, मैं सोनगढ़ में बुकलेट मिल गई और पूरा भर लिया। बम्बई 1 सेकंड, यहाँ कहाँ से बोला? अच्छा बिना, से सोनगढ़ में मिली थी ना, हाँ, नहीं बोली बुकलेट नहीं मिला। बहुत बहुत बढ़िया, बुकलेट तो मिल गया हाँ ना? स्टोर में से मिल गया बुकलेट, बहुत बढ़िया और पूरा भर लिया। अभी रजिस्ट्रेशन करने का है। बहुत बढ़िया। अभी अभी आपको रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, इजी हो जाएगा, अभी तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप हाँ कर सकती हूँ। अभी बस। तो लिंक है आपके पास रजिस्ट्रेशन की? चैट आपने दिया ना? बॉक्स में दिया है, बस वहां से आप रख लीजिए। 31 मार्च तक कोई चार्ज नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा भर दीजिए, तो आपका पास रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लास्ट में जब सबमिट करेंगे तो लिखा आ जाएगा अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेवें या हाथ से लिख के रख लेवें। बहुत बढ़िया, ये बहुत, मैं हाथ शॉर्ट शॉर्ट स्क्रीन कर लिया। अरे वो फिर क्या है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। बच्चे हाँ बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले,
कौन रोकेगा इनका मोक्ष में जाना जो स्रोत के नजदीक रहते हैं। सच में गुरुदेव श्री की यही कृपा है कि हम जिनवाणी के आसपास हैं तो सुकून है। नेक्स्ट। जय जिनेन भाई साहब। जय जिनेन। जय जिनेन। मैं आगरा से बोल रही हूँ। आप कैसे? हाँ आगरा से। मेरे हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन है भाई साहब, मेरा नहीं है। मैं और मुझे बुकलेट नहीं चाहिए, मैं इसी में अपना वो कर लूँ क्या? मैं समझा नहीं। आपके हस्बैंड ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है बराबर? हाँ हमारे पास बुकलेट उनके नाम से आई हुई है। बहुत बढ़िया। तो अभी लिंक में जाके आप अपना भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बुक मत मंगाइए, फोन करके अलग हमें बुक नहीं चाहिए। और हाँ आप हमको बता जरूर देना बुक नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो ऑटोमेटिक जो डिस्पैच करते हैं उस टीम के पास पहुंच जाएगा और आपके यहाँ बुक मिल जाएगी। तो यदि आपको वो बुक नहीं चाहिए है तो आप इस पे वो हमारे जो सतपथ का नंबर है उस पे लिख दीजिए हमें बुक नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया, ये हमारा रजिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ से उसको डिलीवर दिखा देंगे। ठीक है कहेंगे ख्याल में आया? हाँ जी अनीता जी। हाँ जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। ये सम्यक पाओ मोक्ष आओ इसमें 12वां क्वेश्चन है प्रतिक्रमण के भेद, वो हमें नहीं मिल रहे। सम्यक जाओ मोक्ष जाओ कहाँ है? अच्छा ये प्रतिक्रमण के भेद हाँ मिल जाएंगे रत्न साहब का चार में? बहुत खोजे नहीं मिले। 900 नंबर क्या है, मेरे पास पेज नंबर लिखे हैं तो मैं आज बता देता हूँ। ये बाद वाले जो प्रश्न इनके पेज नंबर नहीं है। अच्छा लेकिन प्रतिक्रमण के भेद मिल जाए नहीं है, और भी कोई उम्मीदवार है क्या? होंगे वैसे प्रतिक्रमण के भेद, कोई बात नहीं आप कोशिश करेंगे अगले जो एपिसोड चलेंगे उसमें हम आसपास के पेज नंबर बता देंगे ढूंढ के। रविंद्र जी इसके भी पेज नंबर लिख लेंगे अपन, अगले एपिसोड में आप जुड़िए हम उस समय बताने की कोशिश करेंगे आपको। बोलो भैया नेक्स्ट। चलो भाई 3-4 बजे समकित जी हैं, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए, इनका हैंड रेज है ऊपर ऊपर जो है। अभी यूजर्स आईफोन, हाँ आईफोन वालों से बात करो अपना। अच्छा बोलिए साहब आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो भैया। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि श्लोक सारे तो याद होना पॉसिबल नहीं है, तो अपन कुछ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, तो कुछ नंबर मिल पाएंगे। कंठ पाठ में जो है आपको जब टू फाइनल जो जिनको इनविटेशन दिया जाएगा उनको बताए जाएंगे मिनिमम कि आपको इतने आने हैं, और अभी ओपन टू ऑल है। शुरुआत के 10-11 हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारा उसमें आ जाता है, देवसा गुरु का विषय उसमें आ जाता है, सम्यक दर्शन की प्रेरणा उसमें आ जाती है, तो शुरुआत के विषय और फिर बीच बीच में जो खास खास है उसकी एक शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है जी, बच्चों को भी आप तैयार कराइए, बच्चे भी हमारे पास बहुत बहुत बच्चे, एक हमारे क्या नाम है यहाँ का जबेरा का बच्चा मिला था हमको सोनगढ़ में मिला था, उसके बाद यहाँ मिला था, कहाँ गए थे हम खड़ेरी, बोले भाई साहब पूरे रटमारे हमने तो, और हम जरूर आएंगे, तो हमने भी उनका बड़ा बड़ा स्वागत किया कि जरूर पधारिए हम आपको डायरेक्ट हॉट सीट पर बिठाएंगे। तो आप भी आपके आसपास बच्चे हों, एक नरोदा का बच्चा है प्रथम जैन, जबरदस्त बच्चा है, लास्ट ईयर भी आपको याद हो तो उसने जो है बहुत ग्रेसफुल प्रेजेंटेशन दिया था, और इस बार भी वो श्लोक याद कर रहे हैं। वस्त्रापुर में तो बहुत बढ़िया वातावरण है, 5-5 श्लोक तो बहुत बच्चों को याद हो गए हैं वहां। ये तो देखो बहाने हैं जिनवाणी को अभ्यास करने के जितने संभव हो। शॉर्ट लिस्ट आपको बता दिया जाएगी। ज्योति जी अजमेरा। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ मैं बीड डिस्ट्रिक्ट माजलगांव से बात कर रही हूँ। कहाँ से? बीड डिस्ट्रिक्ट माजलगांव। अच्छा अच्छा मेरा क्वेश्चन 357 नंबर है। 367 357 57 357 ओके ओके यस क्या चीज़?
इसका उसमें दृष्टांत तो अन्न अन्न ग्रास का अनुराग मात ग्रास का अनुराग दोनों का है ऐसा है करना अन्न प्रास का अनुराग, प्रास हाँ अनुराग, औषधि का अनुराग अलग अलग है ना सब, अन्न अलग हाँ पर वो पेज नंबर पे वो तो दोनों भी नाम लगाए कैसे समझना। एक सेकंड, यहाँ क्या है, जो दिन में बनाया हुआ लड्डू पेड़ा बर्फी दूध आदि को जो दिन को छोड़कर रात्रि में सेवन करते हैं उसको तीव्र राग रू महिंसा होती है, इस रात्रि भोजन के लिए कौन सा दृष्टांत दिया है? तो वहां दोनों दृष्टांत दिए हैं क्या? दोनों भी दिए वो 144 नंबर पेज पर। आप फिर से पढ़िए, हमारी टीम कह रही है कि एक ही आंसर है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आप बिल्कुल सही जगह हैं, 140 और 150 नंबर के पेज के बीच में है मेरे पास जो लिखा हुआ है ये आंसर, तो ओके आपको मिल जाएगा, आप नियरेस्ट पहुंच गए हैं, बस वो उन्हीं पन्नों के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ओके थैंक हाँ जी ठीक है, आई थिंक सबके समाधान हो गए हैं। चैट बॉक्स में कोई रह गया हो, नितिन जी विवेक जी देख लीजिए। हाँ जी, कितने श्लोक? अगर आप पूरे श्लोक करके आएंगे तो बहुत बढ़िया है, आधे करेंगे तो और बढ़िया है, और कम करेंगे तो और बढ़िया है, मंगलाचरण तो रट ही लेना देखो अभी तक हमने लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए हम पर्टिकुलर नहीं बता रहे हैं कौन से श्लोक आपको याद करना है। कुछ कुछ श्लोक सच में बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ते ही बराबर लगता है। देवसा गुरु की श्रद्धान वाले श्लोक हैं, चार अनियोग की परिभाषा वाले श्लोक हैं, समाधि मन के प्रारंभ के श्लोक हैं, कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जो अपने आप लगते हैं अरे तो महत्वपूर्ण है ही, और उसके बावजूद भी इसकी लिस्ट आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण छंद नंबर ऐसे जारी कर देंगे। कौन? समकित जी जो हाँ हैंडरेज किए हुए हैं कुछ कह रहे हैं, नहीं शायद वो भूल गए हैंडरेज करके, कोई बात नहीं। ये है आगम जैन, आपका कार्यक्रम तो हो गया शायद ऐसा लग रहा है, तो कुछ बाकी? एक और रह गया पंडित जी जो आओ बेखरों को सुलझाए, इसमें 8 नंबर वाला नहीं बन रहा मुझसे, मैंने पूरे में ढूंढ लिया है। किसी विद्वान को भोजन पर बुलाओ, भोजन करने के बाद धीरे से पूछ लो, विद्वान भी कहेगा धन्यवाद, आप भी कहोगे धन्यवाद। हाँ वो पंडित जी विद्वान से भी नहीं बना है, क्योंकि आज आया था मेरे यहाँ जयपुर में पढ़ता था वो, तो उसने पूरे में कोशिश कर ली, उससे मयंक मोहित कहलाती, उनसे भी नहीं आया है। अरे वे तो जान बूझ के नहीं बता रहे, हमारी टीम के हैं आप ढूंढो इसलिए नहीं बता रहे, सीधे सीधे उत्तर बताने में कौन सा था आपका, बिखरों को सुलझा? हाँ आओ बिखरों को सुलझाए 8 नंबर वाला। कुछ भी नहीं करना है बिखरों को सुलझाने में, क्या है अक्षरों को आगे रखना है। हाँ तो वो सब आ गए, वो एक नहीं आ रहा, मैंने घुमा फिरा के सब बना लिया, उसमें कुछ बन ही नहीं रहा है, होगा तो कुछ हमसे नहीं आ रहा है आ जाएगा, जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे आ जाएंगे, कुछ चीजें चौथे में होती है, कुछ पांचवे में होती है, कुछ छठवे में होती है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको मिल जाएगा वो। और श्राव का आचार में अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, श्राव का आचार तो है ही इन सब चीजों के लिए, जब हम भेद प्रभेद पढ़ेंगे ना मिल जाएगा। और फिर भी हम आपको अगले एपिसोड में ऐसा हो तो हम पेज नंबर निकाल के रखेंगे, आसपास के पेज हम आपको बता देंगे। सुमन लता जी अनम्यूट है, तो जी भाई सब जैसे एक क्वेश्चन और पूछूं, सागर से आवाज आ रही है ये, बोलिए। मैंने 3-4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था मंदिर जी से, लेकिन अभी तक नंबर नहीं है हमारे लिए, बेटे से रजिस्ट्रेशन भर लिया। आवाज कट रही है आप,
हाँ जी सुमन जी, आप फिर से बोलिए। आपने 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद नहीं पता क्या बोला आपने। कराया था और फिर अभी तक हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। ओके, तो आपने किसे, सुनील जी सर आपसे लिए थे किताबें? हाँ वहीं से मिली थी, पूरा ओके भर भी लिया है हमने। फिर ओके आज हमने अभी बेटे से कराया है रजिस्ट्रेशन, अभी आपने लिंक भेजी ठीक। तो डबल रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो जाएंगे, एक पहले वाला और एक अभी का। ये हमने नोट कर लिया, हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है। आपको एक ही रजिस्ट्रेशन जो आपने कर लिया है, यही वाला रजिस्ट्रेशन हम सुनील जी को दे देंगे, तो आपकी लिस्ट एक ही रहेगी, डबल नहीं होगा आपको। अच्छा सुनील जी से अभी नहीं मिला हमारे लिए दूसरा पहले उनको वाला। उनको लिस्ट हम भेजेंगे, तो जब हम उनको लिस्ट भेजेंगे तो आपका यही वाला जो आपने कराया है ये नंबर उनको मिल जाएगा। जी इसी नाम से, जी सुमन लता जी के नाम से? जी इसी नाम से। ओके ठीक है। मोबाइल नंबर आपका? इसके ये है सामने नहीं मिला ना नाइन उन्हें, फोर क्या सुन रहे हो आप? हाँ अभी अभी जो है उसका नाइन नंबर बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं अभी। नाइन फोर हाँ 9406948210। नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आपके बेटे ने, उसका नंबर बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर RK 4515 4515 ठीक है, हो जाएगा। 4515। हाँ बहुत बढ़िया, उस नंबर को सुरक्षित रखिए। जय जी जय जिनेंद्र। जय चलिए साहब। दीदी एक क्वेश्चन और पूछ लूं प्लीज? नहीं अब अगले हफ्ते मिलेंगे ना आप उनके, तो एक ही बार में कहानी पूरी हो जाएगी, फिर अगली बार कौन मिलेगा ये देखो। नहीं, पंडित जी आएंगे। एक क्वेश्चन बता दीजिए कि सम्यक पाओ मोक्ष जाओ में हम नहीं पूरे 5 ही अक्षर लिखने हैं या 2 अक्षर 3 अक्षर का भी आंसर दे सकते हैं? पांच अक्षर का ही लिखना है, उसमें लिखा है ना। अच्छा, और जो आधे अक्षर है वो कैसे काउंट होंगे? आधे अक्षर ऐड कर सकते हैं उसमें 5 में? आधा अक्षर या तो इधर वाले के साथ चला जाएगा या इधर वाले के साथ चला जाएगा, अलग से उसका गिनती में नहीं आएगा। छोटे बच्चों का नहीं लग रहा ना आजकल रेलवे में वैसा है। अच्छा, लेकिन पंडित जी अब ये जो श्रावक के भेद हैं इसमें तो 5 अक्षर का कोई भेद मिल ही नहीं रहा। सर्प है जैसे, तो वो तो 2 ही अक्षर का है। तो मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, क्या कर सकते। जी आपने तो हमें पढ़ाया है, आप कैसे पढ़े हाँ बहुत नहीं? आप पहुंच गए हैं, हमारी टीम ऐसी कह रही है कि आपने जो बोला है बिल्कुल पहुंच गए हैं, उसके आसपास की अगर उसको पूरा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है नियरेस्ट ठीक है पंडित जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलिए बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ पधारे, और नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखो एक तो बहुत ही छोटा बच्चा ऐसे ही क्या कर रहा है, आंसर भर रहा है कि क्या नाम है, कोटड़िया जी के यहाँ, सेजल जी कोटड़िया के यहाँ। ये कहाँ गया, ये देखो ऊपर आ गए हैं। क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है इसका, क्या है? भाईसा कोटरिया कोटड़िया, वाह भाई वाह, जय हो, बहुत बढ़िया। मंगलाचरण बोल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र याद कर लेना आप, बोल। नमे समय सारा याद है? सारा सर्वभाव जय हो, ये है बच्चे बूढ़े युवा सभी को बहुत बहुत आनंद का विषय है। रत्नगण श्रावकाचार का भी मंगलाचरण याद कर लेना, चैतन्य धाम में आएंगे अहमदाबाद, वहां सुनेंगे हम आपसे। चलिए हम अब सभा को विराम देते हैं। क्या कह रहे हैं? योगदान हाँ राजेश साहब पूछ रहे हैं योगदान कैसे दें, इसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम इसका पूरा एक चार्ट बना रहे हैं, कौन कौन से पद लोग ले सकते हैं, किस तरह से भाग ले सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट हैं उनको तो हम आमंत्रण करेंगे ही, साथ में
कुछ पद रहेंगे, उन पदों का भी डिक्लेरेशन हम अगले एपिसोड्स में या अलग से मीटिंग बुला के करेंगे, तो उस समय आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इस बार समझो संख्या ज़्यादा होने से चैतन्य धाम का जो हॉल है, हम कार्यक्रम उस हॉल के अंदर नहीं कर रहे हैं, उसके पास जो खाली जगह है वहाँ पूरा डॉम बना के और पूरा समझो क्या कहना चाहिए एक अच्छे वातावरण में जहाँ हम हर तरह के कार्यक्रम कर सकें, इस तरह से प्रस्तुतियाँ होंगी। और उसका स्केल समझो कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछली बार जिस स्तर से कार्यक्रम प्रस्तुत हुए थे, इस बार उससे और बेहतर और समझो ऐसा कार्यक्रम हुए तो और अधिक लोगों को प्रेरणा मिले और अधिक लोग उसमें भाग ले, ऐसी हमारी इच्छा। तो इसमें कैसे आप पार्टिसिपेंट कर सकते हैं उसकी भी लिस्ट हम जारी करेंगे कि आप जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हो सकते हो वहाँ वहाँ इन्वॉल्व करें। वैसे भी अहमदाबाद को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अहमदाबाद के भरोसे तो हम चैतन्य धाम पहुँच रहे हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वे जरूर हमसे संपर्क कर ले रहे, तो हम उनको किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। एक तो हमने राज्य के हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ऐसे अलग अलग राज्यों के ग्रुप बना रखे हैं। यदि आप किसी भी ग्रुप में नहीं है शतपथ के, तो जरूर किसी न किसी ग्रुप में आ जाएं, तो आपको मैसेज इंस्टेंट ग्रुप में मिल जाएगा। और अब अपना समझो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, अभी एपिसोड चलेंगे, एपिसोड का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ग्रैंड फिनाले चलेगा, तो अभी दिसंबर तक पूरा माहौल जो है घर घर चर्चा रहे धर्म की होती रहेगी। अभिषेक जी दुबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय जिनेंद्र भैया, पक्का केंद्र है, बताइए साहब। भैया ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अपना पिछले साल जो हुआ था उसकी उसकी रिकॉर्डिंग्स अब वो कैसे मिल सकती या वो कब डिस्प्ले होने वाली है? बहुत बढ़िया, मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए, सारे कार्यक्रम के एपिसोड रेडी हो चुके हैं, लगभग लगभग 23 एपिसोड उसके बने हैं। शीघ्र से शीघ्र हम उन्हें लॉन्च करेंगे। अब वो किस माध्यम से और कैसे लॉन्च करेंगे इसकी तैयारी चल रही है, वो मिल जाएंगे। फोटोग्राफ्स जितने भी हैं उसका भी फोल्डर बनाना चालू है, और वे भी हम सारे के सारे फोटोग्राफ्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, तो आप इंडिविजुअली पूजन का, सत्र वन का, सत्र टू का, हैशटैग का, भोजन का, जहाँ जहाँ के आप फोल्डर रहेंगे आप अपना फोटो जाके वहाँ से हाई क्वालिटी का डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने घर में लगा सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, आप उसकी डीपी बना सकते हैं, आप जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। बीच में वातावरण अलग टाइप का हो गया था तो इन चीज़ों को हम देख ही नहीं पाए, सोचा तो ये था कि हम बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन अब हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम अंतिम गीत के साथ। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ऑनलाइन परीक्षा की लिंक बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, हमको 1 से 1.5 महीना भी लगेगा, और हमारी कोशिश है कि महावीर जयंती के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे। महावीर जयंती का मतलब यह है अप्रैल लास्ट और मई की। चलिए इस गीत के साथ हम विराम लेते हैं। हमारा सतपथ का प्रसिद्ध गीत है रत्न श्राव का चरखा जब तक मन के आएगा तब तक हम इसी गीत से आनंद लेंगे। क्या बोलिए बोलिए। व्हाट्सएप ग्रुप जय जयंद पंडित जी, व्हाट्सएप ग्रुप हमें ज्वाइन करना है। हाँ, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 7499772577, इस नंबर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, प्लीज ज्वाइन, अपना नाम, शहर का नाम, हम आपको ज्वाइन कर देंगे। एक बार फिर 7499772577। यदि आपके पास सतपथ की ये वाली किताब होगी तो इस किताब में भी लिखा हुआ है, हमारा जो लास्ट में हेल्पलाइन नंबर दिया है, सबसे पहले सतपथ हेल्पलाइन नंबर ही उसमें दिया हुआ। मिल गया, जय जिनेंद्र। ठीक है, जय जिनेंद्र।
लतपत पर सब करपट दौड़े और कुपत अब हाथ मले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सुखी दुखी हो राम रंक हो, निर्बल हो या हो बलवान, स्वामी सेवक सेठ सिठानी, अनपढ़ हो या हो विद्वान, सबको राह बताने आए पंडित टोडर मल जी नाम, सबको राह बताने आए पंडित टोडर मल जी नाम। सर्दी गर्मी सूखा वर्षा आंधी और तूफान चले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। आगम क्या परमागम क्या क्या है रहस्य जिन वाणी में, मैं हूँ कौन कहाँ से आया प्रश्न सैकड़ों है मन में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा। बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। ओ सतपथ सतपथ सतपथ, अपनी निधि तो अपने में है बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा, यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा। मोहनाश हो सत्दर्शन हो, श्रुत का जगमग दीप जले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपत अब हाथ मले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले, तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। जय बोलो अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र सभी सागर भाई बहनों, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र पंडित जी।